नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सूबे की योगी सरकार जहां प्राथमिक विद्यालयों की दशा सुधारने में लगी है, तो वहीं कुछ लोगों ने इन विद्यालयों को नशे का अड्डा बना लिया है। ताजा मामला हरदोई का है, जहां स्कूल बंद होने के चलते यहां अराजकता तत्वों का जमावड़ा लगता है। यही नहीं, यहाँ पर शराब बनाई और बेची भी जाती है। ऐसे में यहाँ पर किसी ने शराब पीने और धूम्रपान का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। सोशल मीडिया पर विद्यालय में नशाखोरी का वीडियो आने के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पूरे मामले की जांच खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय में शराबखोरी की पुष्टि की है और जांच रिपोर्ट आने के बाद कड़ी कार्रवाई का दावा भी किया है। विकास खंड शाहबाद के चंदूपुर खैराई विद्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे शराब का कार्य किया जा रहा है। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को उसकी स्थलीय जांच के लिए भेजा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने दूरभाष से यह बताया है कि ग्रामीणों से पूछने पर इसकी प्रथम दृष्टया पुष्टि की गई है। उनके द्वारा विस्तृत आख्या इस संबंध में जांच के पश्चात भेजी जा रही है। दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ के उदयपुर थाना क्षेत्र में कुछ दबंगों ने एक मजदूर के साथ गाली गलौज और मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत सांगीपुर थाने में जाकर की, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं की। पीड़ित का कहना है कि दबंग उसे लगातार जान से मारने की धमकी देते हैं और कई बार इस मामले की शिकायत पुलिस से भी की, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिसके चलते एक दिन कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। राकेश ने ठेका लिया था ग्राम सभा तारापुर में। हम आए थे काम करने के लिए, हम काम कर रहे थे। काम करने के बाद में अजय और लोकेश ये लोग आए। आने के बाद में इन्होंने ये कहा कि कौन है, मतलब कि कहाँ से आते हो, कहाँ से नहीं आते हो तुम। तो हमने बताया हाँ जी, हम आते हैं सांगीपुर से। तो उन्होंने कहा कि बात तुम दिखाई मुझे पड़ जाना, मैं अभी आता हूँ तो बताता हूँ। तो हमने काम बंद कर दिया। काम बंद करने के बाद में हम खा पी करके लेट गए। ये 20-25 लोग आए रात में। आने के बाद में हम पे हमला कर दिया, मारने पीटने लग गए। तो घर से लेडीज माताजी निकली। माताजी निकलने के बाद में तो हमें छुड़ा रही थी, तो उन्होंने क्या कहते हैं उनको मारने लग गए, तो हम लोग निकल गए। सुल्तानपुर में एमएलए ने कोविड किट में हुई खरीद का भ्रष्टाचार का ठीकरा डीएम सी इंदुमती पर फोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर बेलडाडी निवासी गौरव यादव ने भी भ्रष्टाचार का आरोप लेखपाल सीता वर्मा पर लगाते हुए कहा कि मेरे पिता के नाम साल 2000 में आवासीय पट्टे का आवंटन हुआ था, जिस पर निर्माण भी हुआ था, जो कि खराब हो चुका है। परिवार की जान माल की हिफाजत के लिए उस मकान की मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा था, जिस पर लेखपाल द्वारा उनसे रिश्वत भी मांगी गई थी। हमारा 20 साल का पट्टा है, इस पर हमारा घर बना था, हम इसी में रहते थे। हमारे पति के नाम का पट्टा था, तो दीवार थोड़ा गिर गई थी, उसको तोड़वा के हम सही करवा रहे थे। तो इस पर पूरे विवाद कर दिए घर परिवार वाले। लेखपाल ने क्या कहा? लेखपाल कहा था कि ये नवा मकान बन रहा है, उस पर गलत रिपोर्ट लगा दिया लेखपाल, हमारा मकान रुकवा दिया। आपने कुछ मांग वांग भी किए थे क्या? हाँ, 10,000 मांगे थे लेखपाल। 10,000 मांगे थे, 10,000 रुपया हमें दे दो तो अपना घर बनाओ। बुलंदशहर में जिला कारागार पर तैनात सिपाही रणवीर सिंह के 3 बच्चों को गोली मार दी गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बता दें कि सिपाही रणवीर सिंह के बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए थे, जहां साथ में ही ट्यूशन पढ़ने वाले और दूसरे बच्चे सिपाही के बच्चों को अपने साथ बुलाकर अपने घर ले गए, जहां बच्चे को गोली मार दी गई। ये भी जानकारी में आया है कि हमारा जेल वार्डर जो रणवीर सिंह नाम है, तो वो भी 8 से 12 यहाँ ड्यूटी जेल में करके जब बाहर गया, तो उसके फ़ोन पर सूचना उसको मिली कि उसका एक लड़का, एक लड़की और उसकी भांजी वो ट्यूशन गए हुए थे, और जो बच्चे उसके साथ और ट्यूशन दूसरे पढ़ रहे थे, वो बच्चे अपने घर उसको इनके बच्चों को बुला कर गए थे और घर पर जो है इनके 3 बच्चों को गोली मार दी। अयोध्या में एक युवा फल व्यवसायी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा करना शुरू कर दिया। लोग भारी संख्या में सड़क पर उतर आए और फतेहगंज देवकली रोड जाम कर दी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सही समय पर घायल का इलाज नहीं किया गया, जिससे युवक की मौत हो गई। इसके साथ ही दुर्घटना करने वाले आरोपी कार चालक को भी पुलिस ने छोड़ दिया, जिसके चलते मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। देखिए, ये आपका वजीरगंज मोहल्ला है। यहाँ पे परसों जो है एक करीब 30-32 साल का युवक है, वो यहाँ पे फाटक के पास में अपनी एक दुकान रखता था, अपना ठेला रखता था। तो यहाँ पे लोगों का ये आरोप है कि कार से एक्सीडेंट हुआ, और कार से एक्सीडेंट होने के बाद जो है आरोपियों को जो है पुलिस को सौंपा गया, मगर उसके बाद भी जो है
उन्हें ऐसे ही बिना किसी कार्रवाई के छोड़ दिया गया, तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे। इसके अतिरिक्त जो है जब डेड बॉडी यहाँ आज आई है तो सभी लोग जो है डेड बॉडी को देख करके काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो गए और कार्रवाई का जो है भेदभाव का आरोप लगाते हुए लोगों ने जो है नारेबाजी की और सड़क जाम कर दी। आजमगढ़ के जियनपुर थाना क्षेत्र में मुकदमे को लेकर कुछ दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद घटना को अंजाम देकर आरोपी बदमाश मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। फरुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने एक अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से करीब 30 लाख कीमत की अफीम बरामद की है। वहीं इस मामले में एसपी डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी के पास से 3 किलो नाजायज अफीम भी बरामद की है, जो लगभग 30 लाख रुपए कीमत की बताई जा रही है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह पहले भी लगभग 10 से 15 बार अफीम सप्लाई कर चुका है। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान लॉकडाउन का पालन कराने के साथ अवैध गतिविधियाँ जो चलती हैं, कुछ अपराधी किया करते हैं, उसको लेकर के कई अभियान चल रहे हैं। इसमें मादक पदार्थों की तस्करी और उसके परिवहन के विरुद्ध एक अभियान चल रहा है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर यह जानकारी मिली कि एक व्यक्ति रोडवेज के पूर्वी गेट पर कुछ अवैध सामान लेकर के वो कहीं जा रहा है। इस पर थाना कोतवाली फरुखाबाद के प्रभारी इंस्पेक्टर और उनकी फोर्स ये लोग वहाँ पर गए और उन्होंने उसे हिरासत में लेकर जो उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 3 किलो नाजायज अफीम मिली। आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से घटना स्थल की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अभी हत्या की वजह का पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। फरुखाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में मौत हो गई। पहला मामला कायमगंज कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 33,000 वॉट की जर्जर तार पेड़ से छू रही थी और तभी पेड़ के नीचे आराम कर रहे अधेड़ की करंट की चपेट में आ जाने से मौत हो गई। वहीं दूसरा मामला माउदरबाजा क्षेत्र का है, यहां पर भी बिजली का टूटा हुआ तार पानी में पड़ा हुआ था, जिससे साइकिल सवार युवक की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। इन घटनाओं से दोनों क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। पेड़ के पास खड़े हो गए, ऊपर से 33,000 की लाइन निकल रही थी, टच करने से एकदम से पेड़ पकड़ रहा एकदम से। अलीगढ़ में एक बार फिर पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जहां पुलिस ने 16 साल से गायब एक व्यक्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। पीड़ित परिजन 16 साल से लगातार अधिकारियों और थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पड़ोसी ने युवक की हत्या कर दी है। इसके साथ ही परिजनों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया है। पुलिस की ओर से कोई सुनवाई न होने के चलते पीड़ित दिव्यांग परिजनों के साथ फरियाद लेकर के SSP ऑफिस पहुँच गया है। हमारे पिताजी लापता है, हम उस शिकायत को लेकर आए हैं यहाँ पर। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि 2004 से हमारे पिताजी सुभाष ठाकुर के यहाँ पर काम करते थे। उन्होंने 5 बीघा जमीन का इकरारनामा करा करके और हमारे पिताजी को उसी दिन से गायब करा दिया है। अभी तक कोई पता नहीं है उनका। आपने कभी उनसे पूछा? हम बार बार पूछने गए तो उन्होंने ये कहा कि वो दिल्ली में रह रहे हैं, हमें ये कह देते तो हम इस वजह से हमने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उन्होंने ये कह दिया कि मुझको क्या मालूम यहाँ पर क्यों आते हो आप,